लाइव है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रानी सिंह। देखिए, आज चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का जो है वो फेरबदल होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। इसको लेकर राजभवन से लेकर सर्किट हाउस तक जो है वो गहमा गहमी तेज हो गई है। अभी कई तरह के कयास जो हैं वो लग रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा पद मिलेगा, या बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो तेज है। इसी बीच अभी कांग्रेस से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के मंत्रियों में कोई फेरबदल जो है वो नहीं होना होगा। यानी जो पुराने मंत्री, चार मंत्री हैं जिसमें से एक आलमगीर आलम ने शपथ पहले ही ले लिया है, बाकी जो तीन मंत्री हैं उनको सर्किट हाउस बुलाया गया। इसको लेकर अब क्या कुछ अपडेट है वो मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे हैं, वो आपको बताएंगे। बाबा, अभी कुछ अपडेट आ रहा है कि उनको राजभवन बुलाया गया है, पुराने तीनों मंत्रियों को? हाँ, राजभवन के तरफ से एक एक करके कॉल जाने का सिलसिला जारी हो चुका है। रामेश्वर उरांव को फोन जा चुका है, बन्ना गुप्ता को फोन जा चुका है, और बादल पत्रलेख को भी फोन जा चुका है। वहीं जो जेएमएम कोटे में है, बसंत सोरेन को फोन गया, मिथिलेश ठाकुर और बेबी देवी और हफीजुल जी को, और इनके अलावा दीपक बिरुआ, अच्छा, और बैद्यनाथ राम, ये नया चेहरा होंगे मंत्रिमंडल का। तो एक चेंजेस किया गया है, जोबा मांझी की जगह दीपक बिरुआ, जो आदिवासी में हो समाज से आते हैं, उनको जगह दिया गया है, और एससी कोटे से बैद्यनाथ राम को ये जगह दी गई है जी। अच्छा, अभी सर्किट हाउस भी विधायकों का आना जाना लगा हुआ है, और इससे पहले भी कई तरह की चर्चाएं जो थी वो नाम सामने आ रहे थे कांग्रेस के कई विधायकों का कि उनको जगह मिल सकती है। फिर अचानक से कैसे निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल का जो फेरबदल नहीं किया जाएगा, यानी कांग्रेस के मंत्रियों का? देखिए, जो कहा गया था एकरूपता बनाने की बात, तो एकरूपता बनाने के बाद सुबह में 9 बजे ये आधिकारिक तौर पे जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने अपना विचार बता दिया केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक 11 बजे ये तय कर दिया कि हाँ ठीक है, आपका जो निर्णय है उसी के साथ केंद्र भी है। जैसे ही वो निर्णय हुआ, वो मुख्यमंत्री आवास गया, मुख्यमंत्री आवास से वो गवर्नर आवास गया, और गवर्नर हाउस से हर जगह फोन जाने का सिलसिला एक एक करके मंत्रियों का शुरू हो गया। लगभग 2-3 लोगों को फोन बाकी है आना, बाकी सभी को फोन चला गया है, और उनको मंत्री परिषद का, मतलब अब थोड़ी देर में वारंट जारी हो जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पे उन लोगों को राजभवन से सूचना दी जा चुकी है। तो यही नया चेहरा होंगे, नए चेहरे के तौर पे आप समझ लीजिए दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम, और दो ये नए चेहरे होंगे, और बसंत, ये तीन चेहरे नए होंगे। बाकी कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के तरफ से वही पुराने चेहरे होंगे। तो आरजेडी में तो अकेला है, तो उनमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, और वो शपथ ले भी चुके हैं जी। तो अब कांग्रेस में भी कोई बदलाव नहीं, तो तीन जो नए चेहरे आपको दिखेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ जेएमएम कोटे से ही देखने को मिलेंगे, और वो थोड़ी देर में उन तक भी ये फोन राजभवन से आधिकारिक तौर पे चली जाएगी, और उनको 4 बजे आकर शपथ लेना है। 4 बजे देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और शपथ जो है 4 बजे ले लिया जाएगा। लेकिन अभी आपको इस वक्त की बड़ी खबर जो है मनोज पांडे दे रहे हैं कि कौन कौन से नए चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये थी कि कांग्रेस कोटे में बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी कि इनको रखा जा सकता है। दीपिका पांडे का नाम आ रहा था, पूर्णिमा नीरज सिंह, अनूप सिंह, और भी कई नाम है जिनकी चर्चा थी, लेकिन अब ये फैसला हो चुका है क्योंकि राजभवन से जैसा बता रहे मनोज पांडे जी कि उनको कॉल भी आ गया है कि आप राजभवन पहुंच जाइए, क्योंकि आगे की जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल सर्किट हाउस से लेकर राजभवन तक गहमा गहमी तेज है, हलचल तेज है, विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। इसीलिए रानी, ये सबसे दरअसल ये बात है कि जो सर्किट हाउस में विधायकों को, कांग्रेसी विधायकों को इसलिए बुलाया गया है ताकि कोई आवेश में आकर कोई उल्टा पुल्टा बयान ना दे, वो बताए कि क्यों ये जरूरी था इनको रिपीट करना, उस पे उनको बताया जाए और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाए,
तो ये तमाम विधायकों को ये बुलाया गया है इसलिए ताकि पार्टी में किसी तरीके का इसको लेकर मरमरिंग शुरू ना हो जाए, मीडिया में कोई बयानबाजी शुरू ना हो जाए, इसलिए उनको हिदायत देने के लिए एक तरीके से कहें कि उनको बुलाया गया है यहाँ पर। तो मतलब कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी जो है वो एक तरह से उत्पन्न हो सकती है विधायकों में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल रानी, आपने सही बात कहा। और ये मान लीजिए कि आपको कुछ ही दिनों के बाद संभवतः जब आप जो आपके प्रभारी हैं वो झारखंड से बाहर होंगे, कांग्रेस के प्रभारी, तो यदा कदा आपको कहीं भी यही सुनने को मिलेगा कांग्रेस के किसी भी विधायक ने कोई सरकार के खिलाफ बयान दे दिया, अपने मंत्रियों के खिलाफ बयान दे दिया, ऐसी खबरें अब सामान्य होंगी और ये माना जा रहा है। लेकिन संयम बरतने की बात कही जा रही है कि जब तक बजट सत्र पास नहीं हो जाता कम से कम आप लोग सब संयमित रहिए और पार्टी के इस निर्णय के साथ खड़े दिखिए और दिखिए ही नहीं बोलिए भी कि यही उचित कदम था और इस वक्त यही सबसे सर्वाधिक सटीक फैसला था जो पार्टी ने लिया है। इस तरीके के बजट सत्र तक कम से कम संयमित रहने को कहा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि बजट सत्र से पहले ही आपको कई कांग्रेस के विधायकों का आपको बयान जो है वो आएगा जो सरकार के खिलाफ होगा, अपने पार्टी के खिलाफ होगा, वर्तमान में मंत्रियों के खिलाफ होगा जी। ये आपको सामान्य चीजें देखने को मिलेंगी लेकिन इस बयान को मतलब उस तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। ये आक्रोश है जो इसको वो लोग शायद प्रकट करेंगे। बाबा, जो नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप एक बार फिर से नए मंत्रिमंडल में जो जो नए चेहरे होंगे उनका नाम रिपीट कर देंगे एक बार। देखिए, नए में सिर्फ दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम और बसंत सोरेन, यही तीन नाम हैं जो जेएमएम के तरफ से हैं। कांग्रेस में एज इट इज मतलब शुरू से आप समझ लीजिए, कांग्रेस में रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेएमएम के तरफ से बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, बैद्यनाथ राम, मिथिलेश ठाकुर और बेबी देवी शपथ लेंगी। मतलब एक जो जोबा मांझी है उनको ड्रॉप किया है जेएमएम ने और एक एससी कोटा का जो बार बार रूप लग रहा था कि एससी कोटे से कौन, हालांकि जो राजद से विधायक है और फिलहाल राज्य में मंत्री भी हैं सत्यानंद भोक्ता, वो एससी सीट से ही जीत कर आए हैं। हालांकि जीतने के बाद लगभग टर्म पहले होने से 1.5 साल पहले उनकी जाति को एसटी सूची में डाल दिया गया था, मतलब अब वो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स के सूची में आ गए हैं। तो उस पे सवाल बार बार जो आसू के प्रमुख हैं वो उठा रहे थे, बीजेपी ये कह रही थी कि सरकार दलितों का ख्याल नहीं रख रही है। शायद उस लिहाज से चंपई सोरेन ने यह फैसला ले लिया है कि बैद्यनाथ राम को होंगे। दूसरी बात, बैद्यनाथ राम होने से फायदा ये है कि अब पलामू प्रमंडल में दो मंत्री होंगे जेएमएम के पास, यानी पलामू प्रमंडल एक जो जेएमएम सबसे कमजोर माना जाता है वहां पे अब जेएमएम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। एक मिथिलेश ठाकुर है गढ़वा से, दूसरा हो गए अब बैद्यनाथ राम। तो ये दोनों सीटें जो हैं वो दरअसल अब जेएमएम को मजबूत करेंगी पलामू प्रमंडल में, फिर चतरा में इन और जो आसपास का इलाका सटा हुआ है उसमें, उसको लेकर और एससी कैटेगरी को ध्यान में लेकर ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको जितनी भी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर को लेकर जितनी भी आपको अपडेट चाहिए आप फॉलो अप के साथ यूं ही बने रहें, जब जब छोटी से लेकर बड़ी अपडेट सामने आती रहेगी आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल यही अपडेट है कि कांग्रेस से किसी भी मंत्री का नया चेहरा शामिल नहीं होने जा रहा है, लेकिन झामुमो की तरफ से जो तीन नए नाम आपको मनोज पांडे जी ने बताए वो नाम जो है नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसलिए 4 बजे शपथ ग्रहण का समारोह है राजभवन में। जो कुछ भी अपडेट आता जाएगा आपको लाइव जुड़कर हम सारी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।